the heritage school. Complete CBSE pattern English medium school. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become a pilot. Here you will get best education with affordable fee structure, qualified and experienced faculty, computer library and smart classes, special classes, music, dance, art and craft work, fully air-conditioned rooms, limited student per classes, GPS-enabled transport faculty. जैन में दिनेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी 7 दिन पहले शुक्ला मोड़ पर हमारे क्षेत्रीय ग्रामीणों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। आंदोलन का विषय था बिजली के अभाव में जो किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, किसानों की खेती किसानी में बड़ी नुकसान हुआ है, तो उसी संदर्भ में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था। शुक्ला मोड़ पर बड़ा जाम लगाया था और उसी आंदोलन में जो संबंधित अधिकारी आए हुए थे, डी महोदय आए थे, जेई महोदय थे, उन लोगों का ये कहना था कि 7 दिनों के भीतर ही आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो आज हम चतरी गाँव में हैं, इस गांव से भी कुछ लोग उस जगह पर पहुंचे थे। आइए जानते हैं कि क्या इनकी समस्या का समाधान हुआ है, या हुआ है तो कितने प्रतिशत हुआ है, कितना संतोषजनक यहां से परिणाम हमें मिलता है। जी, शुभ नाम क्या है आपका सर? राम सिंह बैस। 7 दिनों पहले आप लोगों ने शुक्ला मोड़ पर धरना प्रदर्शन किया था, कितना प्रतिशत आप लोगों को आराम मिला है, क्या परिणाम आए हैं? कुछ नहीं, 100 में 10%। 100 में 10% क्या अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तो लाइट है ही नहीं, देख ही रहे हैं। तो 7 दिनों के भीतर ये बात हुई थी कि समाधान हो जाएगा, तो सिंचाई उचाई का काम कैसे हो रहा है? खेती किसानी में आप लोगों ने कहा था वहाँ पे फसल भी लेकर लोग आए, अभी तो पानी गिर रहा है, यही है जो है, तो नहीं तो साफ ही हो जाता है किसानी। मतलब ईश्वर ने आप लोगों की सुन ली है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज से? तो नहीं, सही लाइट मिले और क्या, सही लाइट मिले। ओके, काटना होगा तो टाइमली काट ले, 1 घंटा 2 घंटा। आप क्या कहना चाहते हैं सर? कुछ यही कहना चाहते हैं कि मतलब जैसे हम लोग चक्का जाम किए थे, डी साहब बोले कि 7 दिन के अंदर में पूरा लाइट सूरज व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तो ईश्वर की कृपा थी कि पानी 2-3 दिन से बरस रहा है, तो फसल ठीक ठाक है और पानी कुआं में नहीं है। हम लोग पीने के लिए लाइट के इंतजार करते हैं कि मतलब आए लाइट तो पानी भर ले पीने के लिए, इतनी भारी समस्या है हम लोग के पास। तो इस समस्या का समाधान आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि 7 दिन होने को आ गए हैं? फिर से चक्का जाम करने के विचार प्लान बना रहे हैं कि नहीं होता है तो फिर चक्का जाम करेंगे। ओके, क्योंकि ये 7वां दिन है, शायद 18 तारीख को आपने जाम लगाया था और ये 25 तारीख हो गया, और बोले थे कि 1 हफ्ते के अंदर में ठीक कर देंगे, और 1 हफ्ता भी होने को आ गया है। तो आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? अब वही, अगर नहीं होता तो फिर चक्का जाम किया जाएगा, सब जगह नोटिस पहुंचा करके फिर चक्का जाम करेंगे हम लोग। चक्का जाम तो, लाइट तो चाहिए हम लोगों को ना। बिल्कुल, लाइट तो चाहिए। यहाँ हमारे पीछे कुछ सयाने व्यक्ति लोग भी बैठे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, लाइट में कुछ सुधार हुआ है? कोई सुधार नहीं है अभी, नहीं बहुत धीमा वाला, और ऐसे जब बटन दबा दे तहाँ बस खत्म हो जाए। अच्छा, मतलब स्विच ऑन करो तो वो भी लाइट चली जाती है? हाँ, या आदमी पानी पिए बिना मरता, मवेशी मरती, अब क्या करे आदमी, कुछ कहीं क्योंकि सुनाई नहीं आ, तो हम लोग क्या करें? हमारे पानी की बहुत भारी व्यवस्था बा, हमारे यहाँ चापो नहीं आ, अगर चापा बा तो उन्होंने पानी नहीं आ, क्या करे आदमी, फड़फड़ा बा। चाचा, कहने का मतलब ये है कि लाइट की जो व्यवस्था है, लाइट इतनी कम वोल्टेज में आती है कि अगर स्विच ऑन करो तो लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। गांव में यदि बात की जाए तो हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पानी की अभाव भी हो रही है, जल का भी अभाव हो रहा है, और लाइट ना होने के कारण आप देख सकते हैं सिंचाई का जो संसाधन है वो भी ठप सा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने पूरी तरीके से ये बता दिया है कि यदि जो डी महोदय ने कहा था कि 7 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान होगा, निराकरण होगा, यदि नहीं हो पाता है, जैसा कि गांव वालों ने कहा कि 10% इन्हें इसकी समस्या का समाधान होता हुआ नजर आया, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब सब कहे हाँ, सब अपना हाथ का कह रहा। चलिए, तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि अभी भी 10% सफलता कह सकते हैं, 90% अभी भी देख सकते हैं कि असफलता ही हाथ लगी है। चैन तोबरमन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, चैन।